सिद्धार्थ जी जवाब दीजिएगा, बड़े सवाल उठाए ज्योति कुमार सिंह ने बीजेपी पे, और मेरा सवाल भी है आपसे, आप पिछले 10 साल धर्म के पिच पे फ्रंट फुट पे खेलते आए, लेकिन जब से हमने देखा है विपक्ष ने आपको जाति वाली पिच पे खिलाना शुरू किया है, एकदम से आप बैकफुट पे आ रहे हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण, लैटरल एंट्री के मुद्दे पर बैकफुट पे आप आ गए, वक्फ बिल बैकफुट पे आप आ गए, यूपी में, चलिए मैं यूपी में जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें आप बैकफुट पे आ गए, तो क्या ये माने कि जो जाति वाला मुद्दा, संविधान वाला मुद्दा, उसने बीजेपी को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है? आप मुझे 2.5 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सबकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं राजीव जी की बात का जवाब देने से शुरुआत करूंगा। राजीव जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। जो बात उन्होंने भी यहां पर टीवी पे कही, मैं उसको थोड़ा सा फैक्ट चेक कर देता हूं। चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट की व्यवस्था के लिए राजीव जी ने कहा, जो व्यवस्था कांग्रेस के शासन में थी उससे बेहतर व्यवस्था आज है। कांग्रेस के शासन में आज से पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस व्यवस्था का पार्ट नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम व्यवस्था बनाते हुए कहा कि थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एलओपी और प्रधानमंत्री कमेटी में रहेंगे जब तक सरकार उस पर कानून ना बनाए। कांग्रेस के शासन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इस कमेटी का पार्ट नहीं होते थे। हमारे शासन में परमानेंट एक्ट बनने के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसके साथ ही है। तो जो थोड़ा सा कई बार हम अपने एक गलत बात हम टीवी पे कहें, मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी बात टीवी पे नहीं जानी चाहिए। जो व्यवस्था आज है, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं आपके चैनल पे, जो व्यवस्था आज है वो व्यवस्था पहले भी कहीं नहीं थी। किसी चीफ जस्टिस को इस कमेटी से नहीं हटाया गया, वो पहले भी कभी नहीं होते थे। कांग्रेस के समय में एलओपी भी नहीं होते थे, ये हमारे समय में हुआ और सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था के बाद हमने इस चीज को ठीक किया। ये है पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि हम कुछ बैकफुट पे चले गए संवैधानिक व्यवस्था आने के बाद, या फिर ये जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम जो किया जा रहा है। मैं तो आज राहुल जी एक बहुत, अभी तो उनके कार्यकर्ता कह रहे थे नॉन पॉलिटिकल काम है, पर ये जो अपनी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, आज ये जो एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश में कर रहे हैं, मैं तो उनसे 10 बात पूछता हूं। राहुल जी 10 प्रश्नों का जवाब दे दें और मान लिया जाएगा कि वो संविधान के साथ खड़े। राहुल जी का क्या ओपिनियन है कि नेहरू जी ने आते ही, संविधान के बनते ही, सबसे पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स को बदलने के लिए पहला अमेंडमेंट लाए थे, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? इंदिरा जी ने संविधान के साथ क्या किया? 75 में सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया, सारे मौलिक अधिकारों को हटा दिया, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? जो एनएससी आपने बनाई थी जिसमें आपकी माता जी बैठी थी, वो संवैधानिक व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री से ऊपर बैठे, उनका अपमान कर दिया, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? जो एनसीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार मिल रहा था, वो आपने उनको नहीं लेने दिया, उसका संसद में आपने विरोध किया, उस पर आपका क्या मत है? जो संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर थे, उनके चुनाव का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और जितने मतों से वो हारे थे उससे ज्यादा मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आप इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 124 और 217 को सस्पेंड कर दिया, जुडिशरी को सुपरसीड कर दिया, एचआर खन्ना का इतना बड़ा केस हमारे सामने है, अपनी मर्जी से जजेस की नियुक्ति करी, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आप मुस्लिम लीग के साथ अलायंस पार्टनर्स बनाते हैं जो हमारे संविधान को नहीं मानते, भारत के तिरंगे को नहीं मानते, भारत जोड़ो यात्रा में से तिरंगा आपको हटाना पड़ जाता है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार वहां पे दलितों को कश्मीर के अंदर आरक्षण का लाभ मिलने लगा, आप 370 के खिलाफ खड़े रहे, इतने समय तक खड़े रहे, आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया जो 370 हटाने की बात करती है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? कॉन्स्टिट्यूशनल का रिजर्वेशन जो हमारा था आपने एमयू और जामिया से छीन लिया, संवैधानिक रिजर्वेशन, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? जो हमारे देश का बंगाल में 77 में से 75 जातियों को 24 घंटे से कम में ओबीसी में जोड़ लिया गया, उसमें आपका क्या ओपिनियन है? तो रवि जी, मैं इसलिए इतने सारे प्रश्न पूछे क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो कोई जवाब नहीं देगा। नैरेटिव बनाना तो बहुत आसान है, राहुल जी भी आके बना सकते हैं, कांग्रेस पार्टी भी आके बना सकती है, कोई भी बना सकता है, पर जिन लोगों ने इतिहास में संविधान को सबसे ज्यादा तार तार करने का काम किया, जिन लोगों ने इतिहास में संविधान को छिछालेदार कर दिया, वो संविधान के साथ खड़े, किसके साथ? और दूसरी बात मैं कहूंगा, लैटरल एंट्री की आप लोगों ने बात करी, एक बार राहुल बाबा से जाकर के ये भी तो पूछिए कि नेहरू जी की जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित जी, उनको 4-4 देशों का राजदूत बनाया गया, फॉरेन सर्विसेज में लिया गया लैटरल एंट्री के द्वारा, उस पर आपका क्या मत था? परिवार के लिए कोई कानून नहीं,
नेहरू गांधी खानदान होगा तो सब कुछ ऊपर है, वाड्रा होगा तो सब कुछ ऊपर है। ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ जी, पूरा टाइम आपको दिया सिद्धार्थ जी, सारे कानून। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपको पूरा टाइम दिया आपके सवाल पूछने पे। आप सवाल उठा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर वाजपेयी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला क्या थे? वो भी तो कैबिनेट में थे ना, तब आपने सवाल नहीं उठाए, आज आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं और... मैं बिल्कुल सवाल उठा देता हूं, मैं तब की भी बात बता देता हूं। ये बहुत अच्छा है रवि जी कि जब फारूक अब्दुल्ला में आज पूछा जाए तो अल्प समय के लिए फारूक जी जो वाजपेयी जी के साथ रहे वो सबको याद आ जाता है। अरे आज वो अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, आज के चुनाव के बाद 370 हटने के बाद, तब तो 370 नहीं उठी थी, अभी वो अपने मैनिफेस्टो में लिखने का काम कर रहे हैं कि 370 को वापस रिस्टोर करेंगे और कांग्रेस पार्टी उनके साथ। महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती वो किस तरह के बयान देती हैं पाकिस्तान को लेकर, भारत को लेकर, उनके साथ आपने सरकार बनाई। हाँ तो रवि जी क्या तब भी आप इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो 370 हटने के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां, इस देश की राजनीतिक पार्टियां तब तक सिद्धांतों पर बात करती है जब तक सत्ता से कोई मतलब नहीं है। जब सरकार बनानी हो, सत्ता बनानी हो, गठबंधन करना हो तो सब भूल जाते हैं, तब सब भूल जाते हैं सिद्धांत, नैतिकता। पीडीपी और बीजेपी दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग राहों की है, लेकिन आपको सरकार बनानी थी तो आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया। रवि जी मैं इसमें आपको दोष नहीं देता, आपका अनुभव सरकारों का सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ रहा, तो अगर आपका सरकारों के लिए ऐसा ओपिनियन बनाए तो निश्चित रूप से ऐसा ही बनेगा कि कोई सिद्धांत नहीं होते। मैं भी किसी को दोष नहीं दे रहा हूं सिद्धार्थ जी, मैं इस देश के राजनीतिक सिस्टम को, इस देश के राजनीतिक सिस्टम को दोष दे रहा हूं कि सिर्फ विचारों की बातें कहने में होती हैं, लेकिन जब सरकार बनानी है तब सब विचार पीछे छूट जाते हैं, सब विचार पीछे छूट जाते हैं। आपने किसके साथ, किसके खिलाफ बोला था इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद आप किसके साथ हो गए? जवाबदार सर कैसे मिलेगा? मैं जवाब दूं, इसलिए मैं तो शुरुआत में आपको कहा कि मैं तो आपको दोष ही नहीं दे रहा, आपका अनुभव कांग्रेस का ज्यादा है इसलिए आपको ऐसा ही लगता है। भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर को लेकर के, कश्मीर के दलितों को लेकर के, धारा 370 को लेकर के, भारत की संप्रभुता को लेकर के, भारत के संविधान को लेकर के कभी स्टैंड नहीं बदला। हो सकता है सरकार बनाने के लिए कभी महबूबा मुफ्ती आई होंगी, वो जुड़ी होंगी हमारे साथ जब स्टेबिलिटी भाग को देनी थी, पर भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को तो नहीं बदलना पड़ा उस गठबंधन के लिए। कांग्रेस पार्टी बात बात में अपना स्टैंड बदलकर कभी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करती है, कभी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, उस पर आप क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते कि कर्नाटक और तेलंगाना से आरक्षण छीन लिया गया? क्यों नहीं पूछते कि जो एफिडेविट बंगाल की सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कांग्रेस पार्टी की उसमें जवाब नहीं खुल रही? 75 जातियों को, मुसलमान जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया गया, आज सुबह उन्होंने आवेदन किया, शाम को उनको ओबीसी में शामिल कर दिया गया। रवि जी आप किसी ओबीसी व्यक्ति से, आपके मित्र होंगे तो पूछेगा, वो अपनी जाति का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे, एक एक हफ्ता लग जाएगा, 20-20 दिन लग जाएंगे और पूरी जाति ओबीसी हो गई 24 घंटे। लेकिन सिद्धार्थ जी आप ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, अभी यूपी में क्या हुआ है जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, क्या कहा है कोर्ट ने, आरक्षण के कोटे को लेकर किसने इतना बड़ा फेरबदल किया, ओबीसी को कितना आरक्षण मिला, उसके लिए कौन सरकार जिम्मेदार है, कौन सिस्टम जिम्मेदार है? आप खुद, आपके ही नेता खुद बयान देते हैं यूपी में जब शिक्षकों की भर्ती होती है वहां आरक्षण को लेकर गड़बड़ घोटाला होता है, तो फिर आप कहते हैं कि संविधान का एक मुद्दा जबरदस्ती बनाया जा रहा है। नहीं नहीं रवि जी बिल्कुल, आपको यूपी दिखा, मेरे को बहुत खुशी है, आईआईएम्स में कभी ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला, आपको नहीं दिखा, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। नीट में कभी ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला, कभी 22%, कभी मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में आरक्षण कभी नहीं मिला ओबीसी को, उसका ड्यू शेयर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के दिया, आपको वो नहीं दिखा। कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और हमने स्वागत किया है, ठीक है, इसमें संविधान का नैरेटिव कहां आया? हम तो पिछड़ों के साथ खड़े, दलितों के साथ खड़े, शोषितों के साथ है, वंचितों के साथ है, सबके साथ है। ठीक है, मैं दोबारा लौटूंगा, पूछे वो जवाब दे दे, ठीक है दोबारा।